2.0 ट्रेलर, इस साल टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। 550 करोड़ की फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर। आपका स्वागत है बॉलीग्राज के गलियारे में। अक्षय कुमार और रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 2.0 का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर का एक एक सीन धमाकेदार है। हो भी क्यों ना, 2.0 बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। वहीं इस ट्रेलर में अक्षय कुमार के फैंस की शिकायत भी दूर कर दी गई है। ट्रेलर में बस अक्षय ही अक्षय नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि 2.0 के साथ अक्षय कुमार ने 2018 अपने नाम कर लिया है। अक्षय के अलावा इस फिल्म में पहले की तरह ही रजनीकांत का भी धमाकेदार अंदाज देखने को मिलेगा। 2.0 का असली बजट 550 करोड़ के आसपास जाकर बैठा है, वो भी वीएफएक्स के महंगे खर्च मिलाकर। बता दें कि फिल्म का बजट इतना तगड़ा इसलिए है क्योंकि इसे 3D फॉर्मेट में शूट किया गया है। बताया जा रहा है कि फिल्म में ऐसे कई सीन्स देखने को मिलेंगे जो ऑडियंस के होश उड़ा देंगे। इस फिल्म का टीजर रिलीज के बाद इस फिल्म को जबरदस्त क्रेज देखने को मिला था, लेकिन फैंस को ये शिकायत थी कि अक्षय कुमार बहुत कम दिखे। हालांकि ट्रेलर में फैंस की सारी शिकायतें दूर हो गई हैं। फिल्म बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी साबित होने वाली है। माना जा रहा है कि साउथ की सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड 2.0 तोड़ सकती है। बाहुबली 2 ने 1200 करोड़ की कमाई की थी। 2.0 हिंदी में बन रही है, लिहाजा ये 500 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली हिंदी रिमेक फिल्म बन सकती है। बाहुबली 2 ने 400 करोड़ क्लब की शुरुआत की थी। ट्रेलर आज दोपहर 12 बजे आना था, लेकिन देरी की वजह से ये 1 बजे आया। सुबह से ही सोशल मीडिया पर 2.0 ट्रेलर लॉन्च और 2.0 ट्रेलर डे के नाम के हैशटैग से ट्रेंड कर रहा है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के मौके पर सुपरस्टार रजनीकांत के अलावा विलन का रोल निभाने वाले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी पहुंचे। यहां फिल्म के मेकर समेत अन्य स्टार कास्ट भी शामिल हुए। 2.0 के ट्रेलर को हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा में लॉन्च किया गया है। ये साल 2010 में आई फिल्म रोबोट का दूसरा पार्ट। इस फिल्म में भले ही लीड रोल सुपरस्टार रजनीकांत कर रहे हो, लेकिन विलन का किरदार निभा रहे बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ट्रेलर में शहर भर में मौजूद लोगों के पास मोबाइल फोन को विलन अपने पास चुंबकीय ताकत से खींच लेता। इसके बाद चील के रूप में पूरे शहर में आतंक मचा देता है। हालांकि पावरफुल विलेन से लड़ने के लिए रोबोट फिल्म की ही तरह सुपर पावर का यूज करने के लिए साइंटिस्ट डॉक्टर वसीकरण बने रजनीकांत चिट्टी को बुलाते हैं। देखना यह होगा कि लोगों के पास से मोबाइल फोन के गायब होने की क्या वजह हो सकती है। वीडियो मशहूर प्रोड्यूसर करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज की। ट्रेलर रिलीज होने के सिर्फ कुछ घंटे के भीतर ही लगभग लाखों व्यूज आ गए हैं। ट्रेलर जल्द ही यूट्यूब पर ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्षय कुमार इस फिल्म में साइंटिस्ट डॉक्टर रिचर्ड के नाम से जाने जाएंगे। बाद में डॉक्टर रिचर्ड और चिट्टी के बीच आमना सामना करते हुए देखा जाएगा। बता दें 2.0 में पहली बार अक्षय और रजनीकांत साथ नजर आएंगे। फिल्म में सुधांशु पांडे और आदिल हुसैन जैसे स्टार्स भी हैं। फिल्म में संगीत ऑस्कर विजेता संगीतकार A.R. रहमान ने दिया है। ये फिल्म 2010 में आई फिल्म रोबोट का सीक्वल है, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन भी थी। ऐश्वर्या की जगह फिल्म 2.0 में एमी जैक्सन नजर आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या ये फिल्म भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी।